मोना, सीमा, जी अम्मी, मोना ऐसा करो, सीमा के कमरे में जो गोल्डन वाला लैंप पड़ा है ना, वो लाकर उस कॉर्नर में रख दो, वो खाली लग रहा है मुझे। लेकिन अम्मी वो तो मेरे कमरे का लैंप है ना। ओफो, अम्मी पहले भी आपने सारे घर की चीजें ड्राइंग रूम में सजा दी है। जल्दी जाओ लेकर। अम्मी आप भी ना। अम्मी मेरा कमरा भी पूरी तरह रेडी नहीं हुआ और आप खामखा लैंप मंगवा रही हैं वहां से। अरे भाई तुम्हारे कमरे में कौन जाएगा, जो भी आएगा यहाँ आएगा ना, और फिर तुम देखना कैसे हमारी और हमारे घर की वाह वाह हो जाएगी। अम्मी आपकी इसी वाह वाह की वजह से हम पहले भी सोसाइटी से निकाले गए। आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं, बंद करो अपनी बकवास। जाओ देखो बहन को, आई क्यों नहीं अभी तक, जाओ। माशाल्लाह आपके घर को देखकर लग रहा है कि आपको इंटीरियर डिजाइनिंग का शौक है। बस यूं ही समझ लें, मैं और इफ्तिखार जब भी किसी दूसरे शहर जाते थे, एक दो दफ़ा मैं बाहर भी गई हूँ, तो मैं हमेशा से डेकोरेशन पीसेज ही खरीदती थी। अच्छा, तभी आपने अपने घर को इतना अच्छा सजा रखा है। दही बड़े कैसे लगे आपको, मेरी रेसिपी से बने हैं ये? बहुत ही मज़े के दही बड़े हैं, मैंने ऐसे दही बड़े कभी नहीं खाए। आप मुझे इसकी रेसिपी जरूर बताइएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर। अच्छा वो मिसेस फुरकान नहीं आई, हालांकि मैंने बुलाया था उन्हें। दरअसल बात क्या है कि वो बहुत ही नखरीली हैं, कोई भी उन्हें बुलाता है ना तो बहुत कम जाती आती है। अच्छा वजह? वजह ये है कि बहुत ही बदलिहाज और बदअखलाक है। अब देखिए ना, आपने हम लोगों को बुलाया, हम लोग आ गए ना अपने सारे काम छोड़कर, क्योंकि हम समझते हैं कि प्यार से, मोहब्बत से, अखलाक से कोई बुलाए तो उसे वेलकम करना चाहिए। लेकिन वो तो अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं भाई। तौबा तौबा भाई, सच कह रही है राजदा, हमारे महल में तो कोई से लिफ्ट ही नहीं कराता, बहुत ही चालाक और झगड़ालू औरत है। छोड़ो उसे, बस भाई हम तो आपके अखलाक और सुघड़पन से बड़े मुतासर। सच्ची बात है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे मोहल्ले में इतनी बाखलाक फैमिली आई है। सही कह रही है सलमा, वैसे आप तो हमारे मोहल्ले का चांद है, शीरी, अपने नाम की तरह मीठी मीठी। अरे आप तो मुझे शर्मिंदा ही किए जा रही हैं। कहाँ जी, मैं तो एक अपने अल्लाह की मामूली और आजिज सी बनती हूँ, मैं जिसने इतनी इज्जत दे रखी है, सारी तारीफ उस अल्लाह की है। अस्सलाम, अल्लाह आपको भी जजाए खैर दे। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। ये मेरी बड़ी बेटी है सीमा, मास्टर्स कर रही है, माशाल्लाह बड़ी लाइक और बड़ी ही जहीन बच्ची है मेरी। और ये मोना बीएससी कर रही है। अब बोर्ड के एग्जाम्स में पोजीशन ली थी इसने। अच्छा माशाल्लाह, बेटियां तो बहुत प्यारी हैं भाई, जिनकी इतनी सुखड़ माँ हो तो उनकी बच्चियां तो ऐसी होंगी ना, हैं? ये जो चीजें हैं ना सारी, ये सबकी सब सीमा ने तो बनाई है। हाँ बड़ा जायका इसके हाथ में, हमारे खानदान में तो हर किसी को इसके हाथ का बना खाना बहुत पसंद। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लड़की है, अपने हाशिम के लिए देख लो। हाँ सही कह रही हो, वैसे मुझे भी तो ऐसी समझदार सुलझी हुई अक्लमंद लड़की की तलाश थी। अम्मी तो इतना थक गई कि खाना भी नहीं खाया और सो गई है। जाहिर सारा दिन अपनी दोस्तों के साथ बिजी जो रही थी। आज शाम 6 बजे अकीदत मंदाना महफिल का इख्तिताम हुआ था, मतलब कितनी फजूल बातें करती हैं ये खवातीन। चुगलियां करना, दूसरों की गइबत करना
और खुद को ये समझना कि दुनिया में उनके अलावा और कोई अच्छा है ही नहीं। तो हमारी अम्मी भी तो यही दिखावा करती है ना, इसलिए इन पार्टीज पे खुश रहती है। मुझे भी इसी बात का डर है। और हमें इस मोहल्ले में आए हुए टाइम ही कितना हुआ, अम्मी की दोस्तियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। और जबकि अब्बू ने कहा भी था कि किसी से मेल मिलाप या दोस्ती में मोहतात रहना, लेकिन फिर भी अम्मी और किसी की बात मानना नामुमकिन है। मोना, हमें अम्मी को समझाना होगा, कहीं कहीं फिर से वो सब कुछ ना हो जाए। अल्लाह ना करे अब भूल जाए वो सारी बातें। देखिए आप परेशान मत हो, मैं अम्मी से बात कर लूंगी। वैसे सलमा, मुझे तो पूरी उम्मीद थी कि आप मेरे घर जरूर आएंगी। आप आई हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपका। बैठे हैं आप। अब तो जब से इस मोहल्ले में आई है ना, आप यकीन माने कि सारा मोहल्ला आपका गर्विदा हो गया है। अरे आप क्यों इतनी मशहूर हो रही हैं? वो तो सीमा ने कड़ी बनाई थी तो मैं देने के लिए आ गई। वैसे मैं बताऊँ, मैं तो जिस मोहल्ले में भी जाती हूँ ना, मोहल्ले के सारे लोग मेरे गर्विदा हो जाते हैं। आपको राजता बाजी ने नहीं बताया? मेरे बेटे की तबीयत खराब थी, बस मैं उसी में थोड़ी सी परेशान थी। नहीं, हैरत है वैसे, उसने तो कुछ और ही बताया मुझे। क्या बताया उन्होंने? अरे बाप, रहने दें सलमा, मैं उनके नामुनासिब अल्फाज और बातें दोहराना नहीं चाहती। आप ना भी बताएं बाजी, तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अपने मोहल्ले वालों को और इनकी घटिया फितरत को। ये जो है, क्या नाम है इनका, राशिदा और कनीस, इनसे तो शैतान भी पनाह मांगे। किसी को फितना परवर, किसी को हकीकत करने वाली औरतें हैं कि अल्लाह की पनाह। अच्छा, वैसे देखने में तो ऐसी नहीं लगती। नहीं भाजी, आपको कैसे बताओगा, आप तो अभी आई ना इस मोहल्ले में, मैं इनको अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए तो इनके साथ मेल जोल बहुत कम रखती हूँ। बस जहाँ बैठती हैं बुराई लगाई बुझाई गिबत। या अल्लाह, हम सबको बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाना। आमीन आमीन। तौबा तौबा, गिबत करना अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर है। बड़ी सख्त वईद है ऐसे लोगों के लिए और दर्दनाक अजाब का ऐलान। अच्छा हुआ सलमा आपने मुझे ही बता दिया, वरना मैं तो जैसी खुद सीधी सादी और सच बोलने वाली औरत हूँ ना, मुझे तो सब ऐसे ही नजर आते हैं। अरे बाजी, आप तो माशाल्लाह से इतनी डिसेंट सोबर सादा नेक खातून है कि खुद बखुद दिल चाहता है आपकी इज्जत करने को। चलो भाई, एक बात, अब इस बात पे आपकी मेरी दोस्ती तो पक्की, हाथ मिलाए मेरे साथ। हाँ क्यों नहीं, आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूं। अच्छा अच्छा, चीनी 2 चम्मच डालिएगा, शुगर नहीं है मुझे, शुक्र है अल्लाह का। अरे वाह सीमा, मेरी बच्ची, तेरी तो किस्मत खुल गई। अरे रुक 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 रुक, क्या हुआ अम्मी? ये सीमा है, शेरी बाजी की बेटी, लगता है वैन का इंतजार कर रही है, वो नहीं आई, इसको साथ बिठा लेते हैं। खींच लो गाड़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा आओ बैठो। नहीं नहीं थैंक यू, मैं चली जाऊंगी, बस ऑटो का वेट कर रही हूँ, निकल जाऊंगी मैं। अरे हम घर की तरफ ही जा रहे हैं, आ जाओ छोड़ देते हैं। कैसी है बेटा? ठीक अम्मी, ठीक है। कुछ दिनों से सोच रही थी कि तुम लोगों के घर चक्कर लगाऊं। बहुत अच्छी हैं तुम्हारी अम्मी, उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा बोलती हैं, इतना अच्छा बोलती हैं कि सुनने वाला उनका दीवाना हो जाता है। क्या हुआ तुम्हें? गाड़ी चलाओ ना। जी जी अम्मी।
अरे भाई हमें तो ना ही किसी की गीबत करनी। वैसे मैं बताऊं उस दिन वो मिलने आई ऐसे गर्मी से बुआ के भपके आ रहे थे, मैंने कहा हटो भाई पीछे। अरे भाई अब पैसों की क्या ज़रूरत है, 250 की वो इतर की शीशी मिलती है, इस्तेमाल कर लो। लेकिन ना इन लोगों को तो समझ ही नहीं है औरतों को। हाँ अस्सलाम वालेकुम। चलो मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ बताती हूँ सारी बात। वालेकुम अस्सलाम, इतनी देर कर दी तुमने। जी अम्मी वो वैन मिस हो गई थी और वो आपकी दोस्त है ना सलमा आंटी, वो मिल गई थी अपने बेटे के साथ। पसंद आया तुम्हें उसका बेटा? पसंद? अम्मी मैंने तो उसे उस नजर से नहीं देखा। अरे तो क्यों नहीं देखा उस नजर से? मैंने तो उसे देखा है उस नजर से, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वो तुम्हारा पहला मंगेतर निखट्टू, उससे तो हजार दर्जे बेहतर है। तुम्हारे साथ साथ हमारा भी ख्याल रखेगा और सबसे बड़ी बात माँ बाप का इकलौता इकलौता। अम्मी आप भी ना कैसी कैसी बातें करते हैं। ये मनहूस मारी तो अपने बारे में सोचेगी नहीं, मुझे ही सोचना पड़ेगा। हाँ सलमा। अरे हंडिया नहीं जलती, तुम मेरी बात तो सुनो। शेरी बहन हमारे इस मसले का हल सिवाय आपके और कोई नहीं निकाल सकता। अगर आप मेरी बेटी के ससुराल में ना जाती ना तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे मैंने तो इनको साफ साफ कह दिया कि शीरी बहन के पास चलते हैं। इतनी सुलझी हुई सोबर खातून है कि तमाम प्रॉब्लम से हल होते हैं उनके पास। आपकी इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया, वरना ये तो कोई मसला ही नहीं है, ऐसे चुटकी बजाते इसका हल निकाल दूंगी। बिला वजह में परेशान हो रही थी आप। मसला आपके लिए नहीं है लेकिन हमारे लिए तो मसाइल का बंडल था ये। भाई आप जैसी फहमो फरासत हम में कहाँ। शुक्र है अल्लाह ने आपको हमारी किसी नेकी का इनाम बनाकर भेजा। मैं तो कहती हूँ हर महल्ले में आप जैसी औरत का होना बहुत ज़रूरी है। बस ये तो अल्लाह का करम है जिसने इतनी इज्जत दे रखी है, वरना मैं क्या, मेरी औकात क्या। सुभानअल्लाह देख लें इनकी सोच चेक करें। ये बात तो है लेकिन मैं इसलिए फिक्रमंद रहता हूँ कि नया घर नए लोगों में तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। हमें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है इफ्तिखार, सब लोग बहुत अच्छे हैं। वैसे भी हमें लोगों से क्या लेना देना, सारा दिन तो मेरा कामकाज में गुजर जाता है, किसी से मिलने जुलने को जी नहीं चाहता। बहुत अच्छा करती हो तुम, ये दोस्तियाँ ये मेल जोल कभी कभार इंसान को बहुत जलील करवाता है और हम ये तजुर्बा भुगत चुके हैं। बेहतर है कि तुम घर और बच्चों की हद तक महदूद रहो, इसी में हमारी बेहतरी है। हाँ ठीक कह रहे हैं। अच्छा छोड़े ना इन बातों को, आप बताएं कैसे हैं आप, तबीयत कैसी है, मौसम कैसा है वहाँ का? तौबा राश्ता, मैंने तो रजिया से कोई बात ही नहीं की, ना ही मेरी लगाई बुझाई की आदत है, अल्लाह माफ करे मुझे। अरे जानती हूँ मैं, आप जैसी सोबर लेडी ऐसी घटिया बात थोड़ी करेगी, ये तो रजिया की ही फितरत है कि वो दूसरों का नाम ले लेकर ना लोगों को बदनाम करती है। आपको पता है आज हमारे घर आ गई और मेरे से और कनी से इतना झगड़ा किया, इतना झगड़ा किया कि मैं आपको क्या बताऊं। वैसे एक बात बताऊं, ये महल्ले वाले हैं ना आपसे जलने लगे हैं क्योंकि आपकी अपनाइयत हर घर में पहुंच गई है। कमाल है भाई, मैं तो रजिया को बहुत समझदार अच्छी और सोबर औरत समझती थी, मगर वो भी ना आम सी औरत निकली। अभी तो मैंने आप लोगों को वो बातें नहीं बताई जो आप लोगों के बारे में उसने की हैं मुझसे। हाय अल्लाह क्या क्या बातें की हैं, प्लीज मुझे बताओ। अरे छोड़ो राश्ता, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा, ऐसी फजूल बातें सुनकर तुम्हें भी जोश आ जाएगा और तुम भी मुझे बदनाम कर दोगी। अरे मैं तो कहती हूँ सबको मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। अरे अल्लाह ना करे जो मैं आपका नाम लूँ मेरी जुबान जल जाए। बस आप तो ये बताएं कि उसने हमारे बारे में क्या क्या बातें कही हैं, बाकी तो हम देख लेंगे। ऐसी नामुनासिब फजूल और घटिया बातें की ना उसने मुझसे कि सुनकर ना मुझे तो खुद शर्म आ गई। बहुत ही कमीनी और घटिया औरत है, छोड़ूंगी नहीं मैं इसको। अरे उसने तो सलमा और कनीज को भी नहीं छोड़ा। मैंने तो उससे कहा कि जिन औरतों के बारे में इतनी नामुनासिब गुफ्तगु कर रही है ना मेरे नजदीक वो बड़ी रुतबे वाली और अच्छी खवातीन है। वैसे आप लोगों की दुश्मनी पुरानी कितनी है? दुश्मन
हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ कभी कभी जेलेसी में कुछ बातें हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारे बारे में इतनी घटिया बातें करना शुरू कर दी। इसको ना अपने मियाँ के औहदे का ना बहुत गुरूर है, बहुत घमंड है। इसकी सारी अकड़ और हेकड़ी निकाल देंगे हम लोग, छोड़ेंगे नहीं इसको। वैसे एक बात बताऊं शीरिन, महल्ले की कमेटी की औरतें कह रही थी कि आपको कमेटी का लीडर बना दिया जाए। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब फिर भी मैं कहूंगी कि लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, दफा करो, जाने दो। मैं समझती हूँ ऐसी बातों को कंट्रोल करना, जब्त करना, और वो भी तुम जैसी खातून के लिए जो इतनी अच्छी है, शरीफ है, समझदार है, बहुत मुश्किल है। और गुस्सा आना एक फितरी अमल है। फिर भी मैं तुमसे कहूँगी कि जब्त करो, सब्र करो, कंट्रोल करो, बस रहने दो। अच्छा चलो फिर बाद में बात होती है, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज़। बचत हो गई। रात भर करवटें बदलती रही, सुकून की एक लम्हा जो मुझे नींद आई, मेरा तो खून खौल रहा है। हमने तो रजिया के बारे में कभी ऐसी बातें नहीं की। हमारी तो उससे कोई दुश्मनी भी नहीं है कि वो हमारे बारे में ऐसी बातें करे। सोच सोच के मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। रशदा बाजी, गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया था उसकी बातें सुन के, लेकिन फिर मुझे शीरी बाजी ने समझाया कि कीचड़ में कंकर मारो कि तो छींटे अपने ऊपर ही वापस आएंगे। यही सोचकर चुप ही हो गई मैं तो। पर शीरी बाजी की तो क्या बात है, वैसे एक अकेली औरत महल्ले की इज्जत होती है, और ऐसी अकलमंद औरत जो फसाद रोक दे, भाई नेक रूह है नेक। और माशाल्लाह से उसकी बच्चियां भी बहुत नेक हैं। सलमा, तुम्हें एक मशवरा दूं, तुम अपने हाशिम के लिए सीमा का हाथ मांग लो। अरे राजदा, ये मशवरा तो मैं सलमा को पहले ही दे चुकी हूँ। भाई जैसी माँ वैसी बेटी, सुखी रहोगी तुम। सोच तो मैं भी रही हूँ, आप दोनों चलोगी मेरे साथ? हाँ, क्यों नहीं, हम बिल्कुल चलेंगे। ये भी कोई पूछने की बात है सलमा? अरे भाई मेरी तो हसरत ही रह गई, अगर मेरा बेटा बड़ा होता ना तो मैं मुना या सीमा में से किसी एक को अपनी बहू जरूर बनाती। तो ऐसा करो ना कि मुना को तुम अपनी बहू बना लो, हसीन को बड़ा करेगी, फिर उससे शादी कर लेगी। हाशिम, सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। अच्छा आपको मेरा नंबर किसने दिया? अम्मी से नंबर लिया तुम्हारा। आंटी, आपने क्या कहा उनसे? उन्हें क्या बोलना है, माँ है वो मेरी, मेरी पसंद और मेरी ख्वाहिश को वो अच्छे से जानती हैं। पसंदीद की? अब आंटी क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में? सोच तो बहुत कुछ रही हैं, और बहुत अच्छा सोच रही हैं। क्या? यही कि मंगनी में ज्यादा देर ना की जाए, जबकि मैं चाहता हूँ कि अरे शादी हो जाए। अब ये आप क्या कह रहे हैं? मुझसे शादी करोगी? और मैं तुम्हारा जवाब हाँ ही चाहता हूँ। मगर अम्मी शाम को अपनी दोनों सहेलियों के साथ तुम्हारे घर आ रही हैं रिश्ता मांगने। ठीक है, फिर मैं तुमसे रात में बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। हाशिम भाई से बात हो रही थी, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि यहाँ हाशिम भाई और उधर उनकी अम्मी रिश्ते की बात कर रही है। अम्मी ने आपकी राय लेने के लिए भिजवाया, लेकिन इसकी तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप तो बहुत खुश लग रही है। अरे इफ्तिखार साहब, आप खुश हो जाएंगे हाशिम से मिलकर, ऐसा हीरा लड़का ढूंढा है मैंने आपकी बेटी के लिए। देखो मैं छुट्टी लेने की कोशिश करूंगा, अगले महीने तक आ जाऊंगा। हाँ ठीक है, मैंने तो सलमा से भी कह दिया है कि इफ्तिखार को छुट्टी मिलेगी, वो आएंगे, तब हम मंगनी की रस्म अदा करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आ जाऊं। एक बात है शेरी, तुम वो बहुत बात हो भाई, मेरे बगैर सारे काम अकेले कर लेती हो, और यही वजह है कि मैं इतनी दूर मुतमईन होकर अपना काम कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब। ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं।
ओके अल्लाह हाफिज। अम्मी मैंने आपसे कितनी बार कहा कि किसी से भी फजूल या बढ़ा चढ़ाकर बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप तो आदत से मजबूर हैं। क्या हुआ अम्मी ने क्या कहा? अम्मी ने कनीज आंटी के सामने लंबी लंबी हाँ की और कहा है कि मैं ऐसी शानदार मंगनी करूंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी, ये दूंगी वो दूंगी, जबकि मैं अपने घरेलू मामलात और हालात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। बकवास कर रही है वो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अम्मी मुझे हाशिम ने ये बात बताई और उसने खुद अपने कानों से कनीज आंटी को ये सब कुछ कहते हुए सुना है। ठीक है, मैं अभी कनीज को फोन करती हूँ, उसने बढ़ा चढ़ा कर बात की है। अम्मी बेटी के ससुराल का मामला आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। अब जो हो गया वो हो गया, मैं सलमान आंटी से बात कर लेती हूँ। मैं खुद बात कर लूंगी, चुप रहो तुम। अम्मी अब मजीद तमाशा मत कीजिएगा, आपकी जुबान हमेशा हमारे बने बनाए काम बिगाड़ देती है। अम्मी प्लीज दफा हो जाओ, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो, मैं पागल नहीं हूँ। दुनिया मेरी तारीफें करती है और तुम लोग मुझे बेवकूफ समझती हो। जाओ दफा हो जाओ यहाँ से, दुनिया तारीफ करती है मेरी और ये बातें कर रही है मुझे। हेलो कनीज, वैसे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने हल्के पेट की निकलोगी। तुमने सारी बातें सलमा को बता दी और उसका बेटा मेरी बेटी से वजाहतें मांग रहा है। अरे अच्छी तरह से जानती हूँ मैं सलमा कितनी अच्छी है, वो जो जो बातें करती है ना तुम्हारे बारे में, अगर मैं तुम्हें बता दूँ ना तो गरम तवे पर पांव रख दो तुम। मैंने सलमा को हमेशा अपनी बहन समझा, दोस्त से बढ़कर प्यार किया और उसने मेरे खिलाफ ऐसी बातें की। अरे लानत भेजती हूँ मैं ऐसी दोस्ती पर, आइंदा मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। ये हुई ना बात, पता चलेगा इसे। शीबा जी कसम से मैं तो उनको अपनी सच्ची हमदर्द और खैरख्वाह समझती थी। जाने दो भाई, आजकल के दौर में कौन सच्चा हमदर्द मिलता है, और ये चालाक औरतें, ये जलती हैं हमारी रिश्तेदारी से, इसीलिए हमें आपस में लड़वा कर ताल्लुकात खराब करके इधर उधर की लगाई बुझाई कर रही हैं। खैर मेरा तो फर्ज था तुम्हें सच से और हकीकत से आगाह करना, आगे तुम जानो, लेकिन बस ये ख्याल रहे तुम्हारा कोई भी जज्बाती अमल हमारे बच्चों की जिंदगियां खराब कर सकता है। अरे अल्लाह ना करे बाजी, मेरे लिए मेरा बेटा दुनिया से बढ़कर है और आप पर भी मुझे पूरा यकीन है। अच्छा सलमा, खुदा हाफिज। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। सलमा मुझे तुमसे इस घटियापन की उम्मीद नहीं थी। अरे तो मुझे भी तुमसे ऐसी घटिया हरकत की उम्मीद नहीं थी। तुमने जो जो बातें की है ना उसके जवाब में तो कत्ल हो जाते हैं। मेरे बस में होता ना तो तुम्हें कत्ल करती अभी और इसी वक्त। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से। मुझे भी कोई जरूरत नहीं तुम जैसी घटिया और गीबत करने वाली औरत से दोस्ती रखने की। आई बात समझ में? अब देखना मैं तुम्हें महल्ले में कैसे बदनाम करती हूँ। चल चल निकल मेरे घर से। बढ़िया ही मुझे महल्ले से निकालने वाली तुम और वो क्या नाम है राशिदा, हर मुश्किल में मैंने तुम लोगों का साथ दिया और तुम लोग इतनी घटिया निकली हो। चलो जाओ। शीरी से रिश्तेदारी क्या हुई तुम्हारी? तुम तो आसमानों पर उड़ने लग गई, हमारी गिबत करने लग गई उनके साथ, तुम तो दोस्त न मत दुश्मन निकली हो। औरतें मेरे मुंह पर मेरी होती है। किस बात पे झगड़ा हो रहा था तुम्हारा और कनीज का? मेरे घर तक आवाजें आ रही थी और कनीज भी तुम्हारे घर से रोती हुई गई है। अच्छा तुम्हें उसके आंसू नजर आ गए और मुझे कितना बस जलील और बेइज्जत करके गई है वो। तुम मेरी बात समझ नहीं रही, आओ इधर आकर बैठो, मेरी बात सुनो। शीरीन को हम जितना अच्छा समझ रहे हैं ना वो उतनी अच्छी है नहीं। मेरी नंद उसके पुराने महल्ले में रहती है, उसी ने बताया मुझे कि शीरी बहुत ही बदनामी जमाना औरत है। चुप हो जाओ। खबरदार, खबरदार जो तुमने मेरी समधन के बारे में एक लफ्ज भी बोला तो। सलमा तुम गुस्से में हो, ठंडे दिमाग से सोचो और अपनी आंखें और कान खुले रखो। तुम्हें अंदाजा भी है जिस औरत को हम इतना अच्छा समझ रहे थे वो औरत इधर से उधर बुराई कर रही थी और हमें एक दूसरे से लड़वा रही थी और हम समझ ही नहीं सके। और हम समझते रहे कि बहुत ही अच्छी हैं भाई, हमने उनको अपने सारे मामलात में इन्वॉल्व किया
और वो उन्होंने तो हमारा तमाशा बनाकर रख दिया, हमें आपस में ही लड़वा दिया। छोटी शान और शौकत का दिखावा और शोबाजी हमें पहले भी बहुत नुकसान पहुंचा चुकी है, अब किसी हादसे को सहने का हौसला नहीं रहा हमें। खुदा के लिए मुझे दोबारा से बर्बाद मत कर देना, प्लीज खुद को बदल ले। अगर आपका दिखावा खत्म हो गया हो तो, और अब असलियत सबके सामने आ जाएगी, क्योंकि इस मोहल्ले में भी फसाद शुरू हो चुका है। बको मत, मैं तुम दोनों से बेहतर जानती हूँ। और क्या कहा तुमने, मेरे दिखावे की वजह से तुम लोग मुतासिर हो रहे हो? ठीक कहा, मेरे इस दिखावे की वजह से सीमा का रिश्ता इतनी अच्छी जगह हुआ है। तुम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, मैं बेहतर जानती हूँ तुम दोनों से। सारा मोहल्ला मेरी इतनी इज्जत करता है और एक तुम हो के। इज्जत कौन करता है तुम्हारी इज्जत, बताओ तो शीरीन बेगम। तुम क्या समझती हो कि तुम्हारा ये बहरूप हमेशा चलेगा? तुम्हारा ये दिखावा, तुम्हारी ये असलियत क्या है, अब सारे महल वालों को भी पता चल गया है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी फ्रॉड, इतनी फसाद है ना औरत, शर्म करो, डूब मरो। बेहतर तो यही होगा कि इस महल से अपना बोरिया बिस्तर गुल करो। अरे हमारे महल्ले के पुराने ताल्लुकात तुमने खत्म करने की घटिया कोशिश की, बड़ी पारसा मासूम और नेक बनने का दिखावा करती रही। वैसे सच कह रही, इंसान की फितरत ना कभी नहीं बदलती। तुम जैसी औरतों की हमारे महल्ले में कोई जगह नहीं है। तुम्हारे पुराने महल्ले से आ रही हूँ, वहाँ अपनी इज्जत के क्या झंडे गाड़े हैं ना, अभी सबके सामने खोल दूँ? जैसी माँ वैसी बेटी, ये तो अल्लाह ने बचा लिया मुझे। ऐसी चलत्तर औरतें ना देखी ना सुनी, तौबा तौबा। अच्छा हो गया वक्त से पहले पता चल गया। मुझे माफ कर दो सलमा, मेरी सीमा ऐसी नहीं है। खुदा के वास्ते उसका रिश्ता, अरे कौन सा रिश्ता, खत्म हो गया रिश्ता। तुम्हारे जैसी माँ की बेटी को कोई बयाने नहीं आएगा। आंखों देखी मक्खी कौन निकलता है भाई। सही बात है, पता नहीं कितनी पंगड़ियां करवाएगी और कितनी तोड़ेगी। आग लगाने वाली औरत छुट्टी मकार, चलती बनो यहाँ से, बेवकूफ समझ रखा है हमें। चलो भाई चलो, ऐसे घर में खड़े रहना गुनाह है, आ जाओ। सीमा और शराफत से ना मोहल्ला खाली कर दो। हर बशर है एक वसीला, रब से जो मिलवाता है खिदमत इंसान का रास्ता। मदद करते हुए ऐलान तो ना कीजिए, इज्जत मजबूर को कुर्बान तो ना कीजिए। है